तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सोल लैंड 2 एपिसोड 41 को। तो गाइस अगर आपने हमारे सोल लैंड 2 एपिसोड 40 को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें, मैंने उसका लिंक वहीं पर दे दिया है। तो चलिए इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था श्रेक एकेडमी का सेकंड फाइट जेंटियान एकेडमी के दो बंदे के साथ हुआ था जिसका नाम तांग शियाली और जूलोंग था, और वहां पर हेकिटो ने अपने सोल गार्डन स्वीपर को चार्ज पर लगा दिया था, और वहां पर जो जियो जियो थी उसने अकेले ही जेंटियान एकेडमी के उन दोनों बंदों का सामना किया था। लेकिन जेंटियान एकेडमी के वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, पर वहाँ पर जियो जियो हार नहीं मानती है और फाइनली लास्ट में जियो जियो गिरकर बेहोश हो जाती है और वह इस टाइम काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी। यह देखकर वहाँ पर हेकिटो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सोल गाइडेंस वीपन को चार्ज कर लिया था जिसके कारण वहाँ पर सोल गाइडेंस आर्टिलरी वीपन से काफ़ी खतरनाक शॉक वेव निकली थी और वह सीधे उन दोनों बंदों की तरफ बढ़ाई थी। लेकिन बीच में रेफरी ने इंटरफेयर करके तांग शियावली जो जेंटियान एकेडमी का डिसाइपल था उसे बचा लिया था, क्योंकि हेकिटो के सोल गाइडेंस आर्टिलरी वीपन का अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। रेफरी को भी उसके अटैक को रोकने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी और वहां पर जो तांग शियावली था वो तो हेकिटो के इस अटैक को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वहां पर जो रेफरी था वह जेंटियान एकेडमी के तांग शियावली को एलिमिनेट कर देता है और वहां पर वो अनाउंस करने वाला होता है कि इस फाइट का विजेता श्रेक एकेडमी है, पर अचानक से वह रुक जाता है क्योंकि ग्राउंड के अंदर से हमें दिखाया जाता है एक बंदा जिसके ऊपर मलबा गिरा हुआ था वो बाहर निकलता है। वो जेंटियान एकेडमी का सेकेंड डिसाइपल जूलोंग होता है जो इस टाइम अरीना में सही सलामत खड़ा था। गाइस आपको याद होगा कि जब हेकिटो ने अपने सोल गाइडेंस आर्टिलरी वीपन की पूरी ताकत का यूज करके सीधे तांग शियावली पर अटैक किया था तो रेफरी ने तांग शियावली को बचाया था, लेकिन इसी बीच में ना जूलोंग के ऊपर मलबा अलबा गिर गया था जिसके वह एरिना में दब गया था, लेकिन उसकी बॉडी पर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। वहाँ पर जूलोंग खड़ा हो जाता है, यह देखकर वहाँ पर सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। वहाँ पर जो रेफरी होता है वह एरिना में सबकी तरफ देखता है, जो जियो जियो थी वह पहले बेहोश हो चुकी थी। हेकिटो ने जब सोल गाइडेंस आर्टिलरी वीपन को चार्ज किया था तब उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी जिसके कारण वो भी अब खड़ा नहीं हो पा रहा था और वो भी इस टाइम बेहोश था, और तांग शियावली जो जेंटियान एकेडमी का बंदा था उसे एलिमिनेट कर दिया गया था। अब अरीना में केवल एक ही बंदा सही सलामत था, वो भी जेंटियान एकेडमी का सेकंड बंदा जूलोंग था। अब यहाँ के रूल्स के हिसाब से जेंटियान एकेडमी विनर थी, पर यहाँ पर सारे लोगों ने देखा था कि श्रेक एकेडमी की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा ढास होती। यहाँ पर जो रेफरी होता है उसे रूल्स फॉलो करना पड़ता है जिसके कारण रेफरी जो जेंटियान एकेडमी को विनर घोषित कर देती है। मतलब अब जेंटियान एकेडमी का एक पॉइंट हो चुका था और श्रेक एकेडमी का भी एक पॉइंट हो चुका था। अब इस थर्ड राउंड में जो भी जीतेगा वो इस फाइनल फाइट का विनर घोषित कर दिया जाएगा। अब जेंटियान एकेडमी से बचे हुए तीन बंदे आएंगे और श्रेक एकेडमी से बचे हुए तीन बंदे आएंगे। इस थर्ड राउंड में जो श्रेक एकेडमी से आ रहे हैं वो बेई वांगडोंग और युओ युवाओ है, और अपोजिट टीम से जो जेंटियान एकेडमी है उनमें से जो तीन बंदे आ रहे हैं, जेंटियान एकेडमी का टीम लीडर जिसका नाम एओ किंग है और वो लेवल 58 का वॉरियर है, और उनके में एक लड़की भी जो आपको साइड में दिख रही है जिसका नाम यानर है और इसके पास फायर एट्रीब्यूट वाली पावर है, और उनका थर्ड बंदा रूलोंग है और वो भी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है ऑडियंस में। ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, पिछला मैच श्रेक एकेडमी हार चुकी थी लेकिन जितने भी ऑडियंस थे उनका यह मानना था कि वह मैच जेंटियान एकेडमी ने एकदम 100% लक के साथ जीता था। पूरी ऑडियंस ने वहां पर जियो जियो की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावर को भी देखा था। अब सारी ऑडियंस नेक्स्ट मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और वहाँ पर वो लोग श्रेक एकेडमी का नाम ही चिल्ला रहे थे। उसके बाद हमें कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर जो टीचर वांगयान होती है वह बेई वांगडोंग और युवा युवाओं को मोटिवेट कर रही होती हैं और उन्हें सलाह दे रही होती है कि अगर फाइट में जान पर बना है तो पहले तुम लोग अपनी जान बचाना, फाइट पर इतना ज़्यादा ध्यान मत देना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सारे लोग एरिना में जाने लगते हैं जहाँ पर बेई वांगडोंग और युवा युवाओं को रोकता और कहता है हमें किसी भी हालत में यह मैच जीतना होगा,
यह श्रेक एकेडमी का इज्जत का मामला है। मैं जानता हूँ कि हमारा अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इस बार हमारा मुकाबला जेंटियन एकेडमी के टीम लीडर से होने वाला है, लेकिन हमें अपना 100% देना होगा। हमें किसी भी हालत में फाइट जीतनी होगी। वहाँ पर हुई वाहू बोलता है, हम रेडी हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है रीना में, जहाँ पर दोनों साइड के 3-3 मेंबर आ चुके होते हैं और दोनों ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। बेबी उन सभी को अपना नाम बता। उसके बाद हुई वाहू और वांगझोंग अपना अपोनेंट को टीम को नाम बताते हैं। उसके बाद जो अपोनेंट टीम का टीम लीडर होता है यानी जेंगटियान एकेडमी का टीम लीडर, वह कहता है मेरा नाम येओ किंग है। और वहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वह कहती है मेरा नाम यानर है। और उनका तीसरा टीम का बंदा जिसका नाम रूलोंग होता है वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद वहाँ पर जो रेफरी होती है वह सभी ऑडियंस की तरफ देख कर कहती है तो चलिए आप लोग को जिस क्षण का इंतजार था वह क्षण आ चुका है, तो दोनों टीमें अपना अपना फाइट शुरू करें। उसके बाद फाइट को स्टार्ट कर दिया जाता है। दोनों टीमें अपना अपना सोल रिंग्स को एक्टिवेट करने लगती हैं। वहाँ पर जेंगटियान एकेडमी का टीम लीडर तुरंत अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करने लगता है और वहाँ पर अपनी पावर्स और लेवल्स को वहाँ पर रिवील करता है। उसका लेवल होता है 58 और उसके पास 4 सोल रिंग्स होती हैं। और लड़की के पास जिसका नाम यानर था उसके पास भी 4 सोल रिंग्स थी और उसके पास फायर एट्रीब्यूट की पावर थी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है यूए वाहू की तरफ है। यूए वाहू अपने ट्रू फॉर्म को रिवील करता है यानी अपने 2 सोल्डरिंग से जो 10-10 साल पुराने थे उन्हीं को रिवील कर देता है। और यूए वाहू की सोल्डरिंग को देखकर पूरी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो लोग शॉक में कहते हैं क्या यूए वाहू के पास 10-10 साल पुरानी 2 ही सोल्डरिंग्स है, पर उसके पास तो 6 सोल्डरिंग थी ना, वो भी 1-1 लाख साल पुरानी, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है क्या यहाँ पर यूए वाहू अपनी पावर को पहले ज़्यादा दिखा रहा था, लेकिन आखिर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी दूसरा ऑडियंस वाला बंदा बोलता है अरे तुमने पिछले मैच में जियो जियो को नहीं देखा था क्या, उसके पास भी 2 ही सोल्डिंग्स थी, लेकिन उसने कितनी बहादुरी से जेंगटियान एकेडमी के दोनों बंदे को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है एम्परर के बगल में जो लड़की बैठी होती है वो भी हुई वाहू की सोल्डरिंग्स को देखकर कहती है क्या इसके पास केवल 2 ही सोल्डरिंग्स थे, पर इसने पिछले मैचेस में दिखाया था ये तो एक सोल एम्परर था ना और उसके पास 6 सोल रिंग्स थी। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है अपोजिट टीम के टीम लीडर की तरफ, वो भी यूए वाहू की सोल रिंग्स को देखकर कहता है क्या इस बंदे के पास केवल 2 ही सोल रिंग्स है और ये भी केवल 10-10 साल पुरानी। वहाँ पर वो बंदा कहता है आखिर ये श्रेक अकेडमी वाले करना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद वहाँ पर जो जेंगटियान एकेडमी का टीम लीडर युवो किंग होता है वो कहता है हम इनको ऐसे कमजोर नहीं समझ सकते, अगर हम लोग यह मैच किसी तरह जीत जाते हैं तो हम लोग श्रेक एकेडमी को हराने का इतिहास रच देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जेंगटियान एकेडमी का टीम लीडर होता है वो अपने सभी साथियों से कहता है हमें किसी भी तरह इनको हराना ही होगा। वो अपने टीम को मोटिवेट करता है, तुरंत अपनी सोल ड्रिंक्स की पावर को एक्टिवेट करता है। उसके पास एक गोल्डन लीफ आ जाती है और यह गोल्डन लीफ जेंगटियान एकेडमी के टीम लीडर की एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावर है। तभी उसके ग्रुप में जो लड़की जानर होती है वह तुरंत अपने फायर पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा बड़ा आग का गोला बनाती है और वह गोला सीधे बेबे की तरफ एम कर फायर कर देती है। वहाँ पर बेबे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हमें जेंगटियान एकेडमी के तीसरे बंदे की तरफ दिखाया जाता है जिसके पास बेलों की पावर होती है और तुरंत वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं बहुत सारे बेल अटैक सीधे यूए वाहू की तरफ कर देता है। तो गाइस आगे क्या होगा यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।